मेरा नाम है संदीप और ये है लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 बेस्ड एवोल्यूशन एक्स का 7.5 अपडेट, जो कि जनवरी 2023 के एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट के साथ हमें K20 प्रो के लिए देखने को मिलता है। उसमें क्या कुछ चेंजेस हैं, कैसी ऑप्टिमाइजेशन है, ओवरऑल स्मूथनेस कैसी है, सभी चीजों के बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना और प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। सबसे पहले सेटिंग्स में चलेंगे और यहाँ पे आपको एवोल्यूशन एक्स का लोगो मिलेगा। एंड्रॉयड वर्जन 13 है, एवोल्यूशन एक्स वर्जन 7.5 हो चुका है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट आपको जनवरी 2023 से अपडेटेड मिलेगा, जो कि लेटेस्ट और फ्रेश आपको मिलता है। और जो कर्नल है वो सोवियत स्टार है, जनवरी 3 से अपडेटेड। बिल्ड डेट भी जनवरी 3 आपको मिलती है और जो सिनलिंक स्टेटस है वो आपका एनफोर्सिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड मिलेगा, वाइडबैंड L1 है, गूगल फोटोज में स्पूफिंग आपको मिलती है। उसके बाद जो चार्जिंग स्पीड है वो कुछ आपको ऐसी मिलती है, कोई प्रॉब्लम चार्जिंग के रिगार्डिंग आपको नहीं आएगी। और 60 Hz के ऊपर जब मैंने रोम को नॉर्मली यूज किया तो मेरा जो एक्टिव रेन है वो ऑलमोस्ट 9-10% पर आर के आसपास मिला, एंड जो आइडल रेन है 0.28% पर आर के आसपास, एंड जो डीप स्लीप है वो वर्किंग है। ये सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ है, यहाँ पे सीपीयू 95% तक आपका थ्रॉटल करेगा। ये गीकबेंच 5 के स्कोर्स हैं और वाइल्ड लाइफ टेस्ट के स्कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो। रोम में जो स्टॉक कैमरा है वो कैमरा गो एडिशन मिलेगा, जिसमें स्नैपचैट वाला फीचर तो आपको नहीं मिलता बट नाइट मोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। और मैंने LMC 8.4 यहाँ पर यूज किया है और ये R15 वर्जन है, जिसका लेटेस्ट वीडियो आपको अभी तक नहीं मिला होगा बट मैं मोस्ट प्रोबेबली जल्दी से इसका वीडियो देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सबके सब लेंसेज वर्किंग है, आपको यहाँ पर स्लो मोशन में 1/4x तक वीडियो रिकॉर्डिंग वर्किंग मिलेगी बट 1/8x के ऊपर आपकी जो वीडियो है ना वो समटाइम्स जो है क्रैश कर जाती है, बट अगर आप अभी देखोगे तो ये जो है 1/8x के ऊपर भी वर्क कर रही है। और बाय द वे आप इसमें जो है ANX या फिर लाइका कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका वीडियो मैंने जस्ट अभी जो है 10-15 दिन पहले दिया था, तो उसको आप ट्राई करना, वो भी आपका यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वर्क करेगा। अब ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की जो स्पीड है भाई काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है जब से एवोल्यूशन एक्स लॉन्चर यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ऐप ओपनिंग या फिर क्लोजिंग एनिमेशन आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, स्मूथनेस काफी अच्छी है। रिसेंट्स मेन्यू कुछ ऐसा आपको मिलेगा, क्लियर ऑल बटन आप ऐड कर सकते हो, लेंस का ऑप्शन आपको मिलेगा, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है और यहाँ पे एवोल्यूशन एक्स लॉन्चर सेटिंग्स आपको मिलती है। उसके बाद जब आप इसको ओपन करते हो तो आपको स्प्लैश भी एवोल्यूशन एक्स की मिलेगी। यहाँ पे आइकॉन्स की कस्टमाइजेशन है, होम स्क्रीन में अगर आप देखोगे तो डार्क स्टेटस बार का ऑप्शन भी आपको मिलता है, एट अ ग्लांस को कस्टमाइज कर सकते हो, हॉट सीट बैकग्राउंड है, सर्च बार में थीम्ड आइकॉन इनेबल करने का ऑप्शन है, ऐप ड्रॉअर में थीम्ड आइकॉन है। उसके बाद रिसेंट्स में अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो, एंड सुजेशंस की बात करें तो उसका भी ऑप्शन आपको मिलेगा। और यहाँ पे पैरेलल स्पेस ऐड हो चुका है जो कि आपको मिसलेनियस में मिलेगा, टास्क बार है और हिडन एंड प्रोटेक्टेड एप्स का ऑप्शन है और रीस्टार्ट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली आप यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हो। एंड वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको पता होगा यहाँ पे QPR1 से रीबेस्ड आपको रोम मिलती है, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ इस तरीके से कलर पैलेट्स का UI मिलेगा, थीम्ड आइकॉन आपको मिलेंगे, कस्टम थीम्ड आइकॉन भी आपको मिल जाएंगे और जो ऐप ग्रिड्स हैं वो मैक्सिमम 6x10 तक आपको मिलेंगे। सिस्टम आइकॉन्स पैक के अंदर भी आप यहां से डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हो और जितने भी फॉन्ट्स हैं वो आपको यहां से चेंज करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन है काफी ज्यादा अच्छी आपको मिल जाती है, कोई भी इश्यूज आपको नहीं आने वाले और स्क्रोलिंग काफी स्मूथली है और क्विक सेटिंग पैनल को पुल डाउन करने में भी कोई लैग आपको नहीं मिलेगा। और बाय द वे आप यहां पर जो है 90 Hz का रिफ्रेश रेट इनेबल कर सकते हो बट मैंने इसको 60 Hz के ऊपर यूज किया है, अगर आप चाहते हो तो 90 Hz के ऊपर भी जा सकते हो। यहाँ पे गूगल का ऑप्शन तो मिलता है बट ये सर्च बार जो है गूगल पिक्सल लॉन्चर वाला आपको नहीं मिलता, ये सिर्फ आपके एप्स को शो करेगा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एप्स ये शो करने वाला है। अब नए चेंजेस की बात करेंगे तो सेटिंग्स में चलेंगे तो इवॉल्वर में आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सबके सब चेंजेस सेम मिलेंगे, लाइक एज लाइटिंग है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें कस्टमाइज एनिमेशंस आपको मिल जाएंगे, तो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगाना हो वो आप सेटअप कर सकते हो। उसके बाद लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो का ऑप्शन है, बटन्स के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें सेम मिलेंगी, एनिमेशंस में वही सारे एनिमेशंस आपको मिलेंगे और जो पैरेलल स्पेस है वो इस मिसलेनियस में भी आपको देखने को मिलेगा, गेम स्पेस है, स्मार्ट पिक्सल्स है, स्पूफिंग वाले ऑप्शंस है और नेटफ्लिक्स स्पूफ का भी ऑप्शन आपको मिलेगा और USB कॉन्फ़िगरेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे एडिड है। और एप्स में भी आओगे ना तो यहां पे भी आपको पैरेलल स्पेस मिल जाएगा, तो 3 जगह पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो और यहां पे आपको बैटरी यूसेज का ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा 24 आवर्स वाला।
और बाकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको यहाँ पर वही सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन है, हैप्टिक फीडबैक है, क्लियर स्पीकर है, और डिस्प्ले में भी आपको वही रिफ्रेश रेट के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ये लाइव डिस्प्ले में एंटी फ्लिकर मोड है जिसको आप इनेबल कर सकते हो। कलर्स के अंदर सारे ऑप्शंस हैं और रिफ्रेश रेट के अंदर वही सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, और टैप टू वेक के अंदर भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब सिक्योरिटी के अंदर अगर आप इंटरफेस देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इसमें फेस अनलॉक वर्किंग है, फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है, एंड जो फिंगरप्रिंट की स्पीड है ना वो आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसी आपको मिल जाएगी। एफओडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सुपर फास्ट एफओडी की स्पीड आपको देखने को मिलती है। इवन आप स्क्रीन ऑन के साथ देख लो या फिर स्क्रीन ऑफ के साथ में भी इसको चेक कर सकते हो, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ वर्किंग है। यहां पे एक ऑप्शन नया मिलेगा ऑलवेज ऑन फिंगरप्रिंट का, और अगर आप देखोगे ना तो कितने ज्यादा फीचर्स यहां पर ऐड हो चुके हैं, लाइक स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है, डबल टैप का ऑप्शन है, सिस्टम नेविगेशन में 2 बटन 3 बटन है, पिल की लेंथ, रेडियस, हाई डायमी बटन स्पेस है, तो ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। और ऑफ कोर्स अपडेट्स के लिए यहां पे अपडेटर आपको मिल जाता है। रोम में मैंने 60 fps पे BGMI को प्ले किया, एंड इस अपडेट में जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है। लाइक क्लोज रेंज में ना जब मैंने खेलने की कोशिश की भाई, मेरे को कहीं भी जो है मेजर FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिला, कंसिस्टेंट स्मूथनेस आपको मिल जाती है। बट हां एक चीज की कमी है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है ना गेम के अंदर वो थोड़ी सी, मैं आपको बोलूं तो थोड़ी और बेटर हो सकती है कुछ आने वाले अपडेट्स में। बट हां ओवरऑल अगर आप गेमिंग के लिए इसको चूज करना चाहते हो तो भाई चूज कर सकते हो। 60 FPS में क्लोज रेंज में आपको कोई भी मेजर FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, और हीटिंग इश्यूज भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी आपको ऐसे पाम टच के रिगार्डिंग इश्यूज वगैरह देखने को नहीं आएंगे। बट यहां पर जो ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छी ही देखने को मिलती है, सो गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। बट ये रोम मैं बेस्ट गेमिंग रोम फिलहाल आपको नहीं बोलना चाहूंगा, बट हाँ जो बैटरी परफॉर्मेंस है और जो फीचर्स वगैरह है वो आपको पता है कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं इस रोम के अंदर, उस नजरिए से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।